जनप्रतिनिधियों की उम्मीद के बीच में एक उम्मीद दर्शकों की भी है। श्री गंगानगर से रमेश जी हमारे साथ है, नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताएं सर। सर मेरा ये कहना है कि मेरे को सरकार से उम्मीद कम लग रही है इस बजट से, क्योंकि 2012 से 4 साल शिक्षकों हो गए, उनको वेतन नहीं दे पा रही सरकार, तो कर्मचारियों के लिए कुछ करेंगी ऐसा उम्मीद कम ही है मेरे को। इस बजट में आपके लिए क्या आश्वासन चाहते हैं आप? आश्वासन सर, आज 4 साल हो गए, कर्मचारी जो है वो बिल्कुल वेतन के लाले पड़े हैं, उसको वेतन नहीं मिल रहा है, स्थिति खराब होगी। कहाँ वेतन नहीं मिल रहा है रमेश जी? 2012 शिक्षकों सर वेतन मिल रहा है, पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, और सरकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके और उनको वेतन जो है वो स्थायी कम नहीं कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल बात करता हूँ। घनश्याम मेहर साहब है, विपक्ष में सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं। मेहर साहब आप बता दीजिए कि स्थिति क्या है। अश्वनी जी, सरकार कह रही है कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी, पर मेरा मानना है, मेरा निवेदन है कि सरकार को साफी पीनी पड़ेगी। साफी एक ऐसी दवा है जिससे कीड़े मर जाते हैं, वो अमृत का काम करेगी। अगर साफी नहीं पी तो जनता रुष्ट होगी, इन बजटों से कुछ नहीं होने वाले। पिछले दो बजट देख रखे हैं। अभी आप कह रहे थे कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस ने जब जब भी अकाल पड़े हैं किसानों के लिए, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, किसानों के 72,000 करोड़ के ऋण माफ किए कांग्रेस ने। मनमोहन सिंह जी ने विदर्भ की यात्रा की, केंद्र की बात छोड़ दीजिए, आम बजट की छोड़ दीजिए, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वित्त मंत्री नहीं थे, उनके पास खुद बजट बनाते थे, और वही सूरत हाल अब इस सरकार में है। मैं उस बात को लेकर जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री खुद बजट बना रहे हैं, किस पे दोष कैसे? इसका भी अश्वनी जी मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ कि प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के जब जब आपत्तियां आई है हर बार मुआवजा दिया है, अकाल रात घोषित किया है। सिर्फ किसान के लिए उम्मीद करना चाहते हैं मेहर साहब, बहुत कुछ है। पूरे प्रदेश में किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी सब लोग कांग्रेस के शासन में खुश रहे हैं, उनकी पीड़ा को जाना है। कांग्रेस हर पार्टी, हर धर्म, हर जाति, गरीब अमीर सबको साथ लेकर चलती है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है कंपनी शासन हो गया है, इनके हाथ में कुछ नहीं है ये सिवाय भाषण देने के अलावा, और सिवाय ये कागजी बजट पेश होगा, ये आपने पिछले 2 साल में दे लिया, और अब आने वाली साल में जनता के सामने ये सब बात। चलिए हर बार सुधार की बात की जाती है, लेकिन ये सुधारों का दौर कब तक चलेगा? कृष्णा जी है जयपुर से, नमस्कार कृष्णा गौरानी जी। तारिक साहब नमस्कार, बताएं। तारिक साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो जताई देता हूँ, भाजपा का जो बजट है ये बिल्कुल आम जनता के लिए नहीं आएगा, कड़वा गुड़ पिलाएगा, क्योंकि पिछला जो बजट केंद्र का आया ना उस बजट को देखते हुए राजस्थान का जो बजट आएगा बहुत ही, दिखा दूंगा मैं आपको, आपके चैनल पे ही बता दिया जाएगा किस चीज की महंगाई बढ़ रही है और किस चीज के लिए गुड़ पीने पड़ेंगे। आम जनता का बजट नहीं निकालेगी ये पार्टी। सबसे बड़ी बात तारिक साहब, इन्होंने मुख्यमंत्री जन योजना को यहाँ पर अपने पत्रकार कॉलोनी के अंदर निकाली है, गरीब आदमियों के लिए योजना बता रही है, उस गरीब आदमी को फार्म खरीदने के लिए 250 रुपए का चार्ज लगा रखा है लोगों ने, काहे की सरकार बना रखी है उन्होंने भाई साहब, गरीबों के लिए क्या सोच रही है गरीबों के लिए? मैं आपके पहलू पर बात करूंगा कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बाबूलाल गुप्ता जी आपका रुख करना चाहूंगा, टैक्सेस को लेकर भी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि वेट वृद्धि पहले से हो चुकी है, ऐसे हालात में सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की एक मांग आई है कि पेट्रोल डीजल से सेस हटा दिया जाए। देखिए ये बात सही है कि पहले टैक्स बढ़ाया गया था, पर अभी भी हमें ये आशा है कि कुछ टैक्सेस को जैसे सरलीकरण कर दिया जाए, स्टेट दूसरे स्टेट्स में जिस तरह के टैक्सेस हैं वो टैक्सेस के बराबर ही यहाँ राजस्थान में किया जाए, और इंडस्ट्री को अगर जिंदा रखना है, एमएसएमई की जो बात की जाती है उसको जिंदा रखना है तो टैक्सों में थोड़ी कमी तो करनी ही पड़ेगी। अगर खेती की बात करें तो इनको कम से कम जो मंडी है उस मंडी का जो सेस है वो 1.60 से या 1 से घटा करके 0.50 पे ले आना चाहिए, ताकि दोनों बातें होगी, किसान की जेब में कुछ पैसा ज़्यादा जाएगा, तो जो पैसा किसान की जेब में जाएगा घूम करके, वो एक इकोनॉमी है, यहाँ राजस्थान की इकोनॉमी किसान के चारों ओर घूमती है, वो पैसा बाजार में वापस आएगा, वापस आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी सब जो जितनी भी और इंडस्ट्री हैं वो भी थोड़ी बूस्ट होंगी। और कहीं कहीं बात की गई थी कि साहब रिसर्जेंट राजस्थान में बहुत बड़ा निवेश होगा, मैं इस निवेश को दूसरी दृष्टि से देखता हूँ, और वो मेरी दृष्टि यही है कि 2-3 चीज़ों में निवेश बहुत ज़्यादा आया है, जैसे सोलर प्लांट्स में, अब सोलर के सारे जितने प्लांट्स हैं, मशीनरी हैं, वो तो सब बाहर से खरीदेंगे, बाहर खरीदेंगे तो वहाँ बाहर ही पैसा लग जाएगा, हमारे पास क्या आया, और जो आएगा भी वो इतना थोड़ा सा आएगा,
तो और उसमें खुद को ही इनको ये है कि भाई कम से कम 50% तो आ जाए तो बहुत बड़ी बात मान लेंगे। मेरा कहना यह है कि ये एमएसएमई में क्यों नहीं खर्च करते, यहाँ की जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, आज मैं दाल मिल की बात कर लूँ, तेल मिल की बात कर लूँ, आटा मिल की बात कर लूँ, ये मैं फूड की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो इंडस्ट्री हैं, अभी मेरे एक साथी अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिले थे कि आयरन इंडस्ट्री तो बैठ गई, फिर एक मिले कि भाई हमारी जो ये फाउंड्री है ये भी बैठ गई, तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्री कौन सी जीवित रही, जीवित नहीं रहे। अगर इंडस्ट्री को आप राजस्थान के परंपरागत उद्योगों पर मार आपको नजर आ रही है और आप कहते हैं कि बजट में कम से कम उनको लेकर कोई घोषणा होनी चाहिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई घोषणा होनी चाहिए ताकि वो सर्वाइव करेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी में जो स्थिरता आज तक बनी हुई थी वो फिर बनी रहे, नहीं तो अगर ये स्थिति अगर इकोनॉमी यहाँ की अस्थिर हो गई तो फिर आप कितना ही इन्वेस्ट कीजिए कुछ भी कीजिए, पहली बात तो एक इन्वेस्टर आएगा ही नहीं, चलिए आता है तो वो हमको ही पूछता है। खालिद कुरैशी साहब है, मैं बीकानेर से उनसे बात करना चाहूंगा। नमस्कार खालिद साहब, आपको क्या उम्मीद है? खालिद साहब लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ में, मैं जी खालिद साहब बताइए। सर उद्योगों को जो भी साहब ने कहा है उद्योगों को जीवित करना होगा, दूसरे मैं इतने कहना चाहूंगा जो खाने पीने की वस्तु है उनपे जो अगर आप बीकानेर से है, बीकानेर के आसपास की बात की जाए, फूड पार्क की एक दौरान केंद्र ने घोषणा की थी, राज्य सरकार बोली है, लेकिन आपको लगता है कि क्या फूड इंडस्ट्री बीकानेर की, क्योंकि नमकीन का कारोबार है, ऊन का कारोबार वहां से बहुत अच्छा हो सकता है, उनको लेकर कोई गुंजाइश है, वो पूरी की जा सकती है? सैरमिक उद्योग है उनको और जी भुजिया उद्योग और भी उद्योग बीकानेर में उन पर मतलब गौर किया जाए तो बेहतर होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा जो खाने पीने की वस्तु है ना जी उन पर वेट घटाया जाए ताकि जो गरीबों को दाल रोटी का है वो खा सके वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामपाल जाट साहब, आपका रुख करना चाह रहा हूं मैं, इस बात को समझना चाहूंगा किसान को लेकर, क्योंकि अभी मंडी का जिक्र किया, हर तरफ मार है, किसान की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे पहुंचे, जो मार्केट फ्लो है उसके कारण तेज हो जाए, आपका क्या सुझाव होगा? अश्विनी जी यदि केंद्र की तरह ही बजट आया तो किसान फिर मारा जाएगा। केंद्र ने दावा किया है कि हम अच्छा करेंगे और उसी तर्ज पर राज्य सरकार दावा कर रही है कि हम अच्छा करेंगे, हर संभाग में घूम कर आए, हर जिले का फीडबैक लिया है। अश्विनी जी नाम किसान का और कमाई कंपनियों की, इस रीति पर केंद्र सरकार चल रही है, उसी रीति पे यदि बजट आया तो फिर हमारे साथ धोखा होगा। हम तो चाहेंगे यदि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में कुछ आता है तो वो पूरे राजस्थान की इकोनॉमी के लिए शुभ होगा, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसानों को मिल जाए, उसमें खरीद के लिए प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति खरीद केंद्र बन जाए, जिस बात के लिए सरकार शासन में आने के पहले घोषणा करती थी और उन्होंने स्वराज संकल्प में उसका उल्लेख किया है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये तीसरा बजट आ रहा है। और इसी ढंग से उन्होंने जो कहा था कि हम किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाएंगे, ये भी स्वराज संकल्प में है। और इस बार मुझे अच्छा लगा जब वसुंधरा जी ने कहा था कि भाई इस बार हम घोषणा पत्र साधारण घोषणा पत्र नहीं ला रहे हैं, रूटीन का हम इसको रूटीन से हटकर है, संकल्प पत्र है। घनश्याम मेहर साहब लौट रहा हूँ आपके पास में। विक्रम जी नमस्कार, कोटा से। हेलो, बताइए विक्रम जी आपकी क्या उम्मीद है? सर हमारी सरकार से उम्मीद थी, सुबह में कटारिया जी ने बोला था होमगार्ड वाले को जवानों को नियमित करेंगे, तो सर अभी तक कुछ मांगे हुई नहीं है। एक बार धरना प्रदर्शन, रोजगार पर आप बात कर रहे हैं, रोजगार पर जोर रखेंगे और क्या सरकार सीधे रोजगार देगी? सर रोजगार है, विद्यार्थी मित्र है, होमगार्ड जवान है, सारे है, तो उनका सरकार को रोजगार के लिए प्राथमिकता। मैं विजय साहब के पास आने से पहले घनश्याम मेहर साहब आपका कमेंट चाहूंगा, रोजगार को लेकर मैं चाह रहा था आगे बात करूं लेकिन विक्रम जी छेड़ दी, इसलिए रोजगार का सरकारी वादा है कितने लाख है वो आप बता देंगे बेहतर होगा, और ऐसे हालात में कि युवा की उम्मीद इस बार निराशा में तब्दील होगी या फिर कहीं जोश आएगा? अश्वनी जी पूरा प्रदेश का युवा निराश है, उल्टा 15 लाख आदमियों को नौकरी देने की, रोजगार देने की बात सरकार ने अपने एजेंडे में की थी, घोषणा पत्र में की थी, आप 15 लाख की बात कर रहे थे, आप 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में आप 7.5 लाख को तो नौकरी देते, आज देने को कुछ नहीं है, जो पहले से लग रहे थे उनको और हटा दिया सरकार ने, तो आज पूरी तरह युवा प्रदेश का पूरी तरह निराश है, किसान निराश है, मजदूर निराश है, व्यापारी निराश है, पूरे प्रदेश में निराशा छाई हुई है। अगर सरकार को कुछ करना है
तो सच्चाई से करना होगा। इस तरह के झूठे वादे करना और जनता को धोखा देना ये बिल्कुल अब नहीं चलने वाला है। प्रदेश में पूरी तरह हालात बहुत खराब है। आप इन घोषणाओं की बात करते हैं, हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे भाई पीने को पानी नहीं है। आप फसल की बात कर रहे हो, अगर बेचारा फसल करता है तो उसको खाद लेने जाता है तो उसके लाठियां पड़ती है, थानों में खाद मट रहा है। चलिए हालात बता दीजिए, ऐसे ऐसे हालात क्यों है, रोजगार का कैसे वादा पूरा कर पाएंगे, और क्या आप इन सुधारों की बात कर रहे हैं, इन सुधारों के बीच में युवा की उम्मीद टूट जाएगी? ऐसा है, 5 साल के अंदर 15 लाख रोजगार सर्जित करने का काम रखा था सरकार ने, और उसके हिसाब से 850 पहले नौकरियों के हिसाब से आपको रोजगारी देना होता है। वो सब चीजें सरकार के अंदर, ये जो उनका संकल्प पत्र था जिसको अपन कहते हैं, वो संकल्प पत्र के अंदर साफ लिखा हुआ है कि इसकी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ये देखा जाएगा कि कितने रोजगार सृजित। रामपाल जाट साहब ने कहा कि संकल्प पत्र था, कोई आम घोषणा पत्र नहीं था। वसुंधरा जी ने पहले इस बात को चैलेंज किया, कोर्ट किया। यही बात मैं कह रहा हूँ कि संकल्प पत्र है, वो संकल्प लिया है, उसको पूरा करके रहेंगे। अभी आपने देखा कि राजस्थान रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर 3.25 लाख करोड़ रुपए के हमारे यहाँ पे MOU साइन हुए हैं। उन MOU साइन हुए तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, टाइम के हिसाब से उनको हमारा रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्रियां लगेगी, पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म में भी आएगा, इंडस्ट्री में भी आएगा, और कई जगह पे जैसे विद्युतीकरण, जो सोलर एनर्जी है, कितना मतलब अभी आज की तारीख में अपना राजस्थान में बिजली सोलर एनर्जी की बात की ना गुप्ता साहब ने, आपने सुना नहीं कि आप इक्विपमेंट तो बाहर से लेकर आएंगे, रोजगार कितनों को मिलेगा, किस बात के निवेश की बात करें, राजस्थान को क्या कमीशन मिलता है सोलर में, 60% कमीशन मिलता है सरकार को सोलर। ऐसा है, ये ऐसे काम है सोलर के, 60% सब्सिडी दे रहे हैं साहब, सब्सिडी नहीं उसमें कमी, देखो ऐसा वो है, देखो आज की तारीख में ट्रांसफरेंसी, देखो धीरे धीरे हम ट्रांसफरेंसी ला रहे हैं। विजय साहब शायद सब्सिडी बंद हो गई है, ऐसा है सब्सिडी बंद हुई है, देखो ऐसा है सब्सिडी आज भी ऐसा नहीं है, सब्सिडी बंद हो गई है ये कहना गलत है, बट जो आप कह रहे हैं कि कमीशन दिया जाता है, ये कंपनियां अपने उसके अंदर कमीशन दे रही है वो अलग चीज है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब हम ये तो जो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे, उल्टे हम इसमें कंपनियों में फंसते जा रहे हैं, ये कंपनियों का राज होता जा रहा है, ऐसा है, जनता का राज नहीं रहा, सरकार का राज नहीं रहा, कंपनियों का राज होता जा रहा है, सारी चीजें गवर्नेंस के थ्रू हो रही है, जनता को धीरे धीरे पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, समझाइश करनी पड़ेगी, सच्चाई से काम करना पड़ेगा, अगर उसमें हम नहीं करें तो जनता के साथ धोखा, परमात्मा के साथ धोखा। और इस समय कोई दुखी नहीं है, इस समय दुखी है तो कांग्रेस दुखी है। चलो मैं आ रहा हूँ रामपाल जाट साहब आपके पास भी आ रहा हूँ सभी के पास लौट रहा हूँ मैं, मेयर साहब रोकना चाह रहा हूँ, दो दर्शक है क्योंकि बात है दर्शकों की, राजस्थान की आवाम क्या सोचती है। इंद्र ओझा साहब बीकानेर से और शौकत अली साहब डीडवाणा से है हमारे साथ। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बताए सर। अरे साहब मैं एक तो मेहर साहब जो कह रहे थे बार बार, ये कांग्रेस के जो विधायक मध्य बैठे हैं जी, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ऐसा कौन सा वायरल नारे कर दी थी, इनकी सरकार नहीं रही थी क्या, इनके बजट पेश नहीं किए थे, कहाँ ये आज बेरोजगारों की, गरीबों की दर्द की बात कर रहे हैं, गरीबों के रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, रोजगार दिया इन्होंने जितना भी दिया, लेकिन 2.5 साल में कितना मिला वसुंधरा सरकार में, सवाल सुनिए भाई साहब, विधायक मोदी मेरी बात तो सुन रहे हैं, कांग्रेस के बेटे हैं, इन्होंने रोजगार युवाओं को दिया था, 1,60,000 युवाओं को रोजगार, 70 रुपए दिया था, और नालों के बीच में गंदगी के बीच में आज 60 करोड़ रुपए बर्बाद किए इन्होंने, इनको पता नहीं है क्या भाई साहब क्या क्या हालत हुई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव गरीब और किसान की बात अगर होती है तो वास्तव में हकीकत में उनका विकास होना चाहिए, अगर देख रहा है विकास को देखना है तो गरीब का चूल्हा क्या आज वसुंधरा राजे कर पाएंगे ऐसा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सोच में है गरीब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डीडवाणा से है हमारे साथ में शौकत अली साहब, नमस्कार शौकत साहब। शुक्रिया, बताए सर। शौकत अली साहब हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जो 2.5 साल बचे हैं, इसी 2.5 साल के अंदर जो अच्छा बुरा जो करना है इसी का, इसी के दो 2.5 साल के अंदर करना है, और जो विकास करना है या कम करना नहीं, तो ये सरकार जैसे कांग्रेस को सबक सिखाया जनता ने, वैसे इसी को सिखा देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो विजय साहब आप ही से सवाल करूंगा, क्योंकि उम्मीदें हैं और उम्मीदों के बीच में पार्टी की साख दाव पर है। रामपाल जाट साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे।